बहुत पवित्र दिन है, बहुत प्रेरणा देने वाला दिन है। भारत के 135 करोड़ लोगों के जो हृदय सम्राट हैं, जो खाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ही दिलों में नहीं बसते हैं बल्कि हर भारतीय के दिल में बसते हैं, ऐसे भारत के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस है। और मेरे लिए उनका जन्म दिवस आज यहाँ एम्स भुवनेश्वर में उनकी प्रतिमा को स्थापित होने के बाद अपने साथी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ उसका अनावरण करके जो समय बीता है उससे ज्यादा कोई खुशी देने वाला पल नहीं हो सकता। मैं सबसे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पवित्र स्मृति को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। आप सब जानते हैं कि देश में 50 साल से भी ज्यादा समय तक एक ही देश में बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनी तो अटल जी ने जो डॉक्टरों से बहुत प्रेम करते हैं, हेल्थ सिस्टम के प्रति उनका बहुत कमिटमेंट है, उन्होंने पहली बार ये फैसला किया कि देश में एक से संख्या बढ़नी चाहिए और एक एम्स के बाद 5 और एम्स बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अगर मैं कहूं कि सबसे सीनियर उन 5 एम्स में एम्स भुवनेश्वर है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने स्वयं इस फाउंडेशन स्टोन लगाया और इस एम्स को पिछले दशक में हम लोगों ने बहुत तेजी से विकसित होते हुए देखा। लगातार एक के बाद एक सुविधाएं, एक के बाद एक बेहतरीन डॉक्टर यहां पर आए हैं। आज भी जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करने यहां आए हैं तो आप सबने देखा कि नया मॉड्यूलर ओटी का कॉम्प्लेक्स यहां पर शुरू हुआ है, यहां पर एक नई आईसीयू शुरू हुई है, एक नई कैथ लैब शुरू हुई है और एक नई फ्लोरोस्कोपी की फैसिलिटी जो है यहां पर प्रारंभ हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं इस अवसर पर यह भी आपको कहना चाहता हूं कि आज हम सबका सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा विजनरी प्रधानमंत्री हमको मिला है। अटल जी ने 1 से 6 एम्स देश में विकसित करने का निर्णय किया, उसको आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आकर ये फैसला किया कि हर स्टेट में हम एक एम्स देंगे। आज नई दिल्ली एम्स के अलावा देश में 22 नए एम्स अलग अलग प्रकार से विकसित हो रहे हैं, जिसमें से ये भुवनेश्वर का एम्स भी एक है। आपको जानकर खुशी होगी और शायद विश्वास भी करने में लोगों को कठिनाई होती है कि 2014 से लेकर और 2019 के बीच में देश में इस समय 157 नए मेडिकल कॉलेज जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को परिवर्तित करके बनाए जा रहे हैं, वो अलग अलग जो प्रगति और विकास की स्टेजेस के अंदर हैं। अभी इस 2019 के टर्म में आने के बाद हम लोगों ने फैसला किया कि 75 नए मेडिकल कॉलेज देश के सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट्स में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां की लोगों को कभी 50 साल में उस तरह की सुविधाएं नहीं मिली जो कि जिसके वो हकदार थे, वहां पर 75 स्थानों पर मेडिकल कॉलेज खोले जाए।